प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला कांगड़ा में शक्तिपीठों के कपाट खुल गए हैं। मंदिरों से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे में लोग काफी समय से मंदिरों को खोलने की मांग कर रहे थे। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट विधि विधान से खोले गए। इस दौरान दोपहर लगभग 12 बजे SDM धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ने मंदिर का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस व होमगार्ड के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंदिर खुलने पर श्री चामुंडा मंदिर में पुजारियों ने कोरोना से मुक्ति के लिए यज्ञ करके चामुंडा माँ से कामना की। मंदिर में देवी दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पैर धोने, हाथों को सैनिटाइज करने की उचित व्यवस्था की गई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस व होमगार्ड जवानों द्वारा श्रद्धालुओं को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यही नहीं, आगामी दिनों में भीड़ जुटने पर भी सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो, इसके लिए मंदिर से लेकर बाहर तक उचित दूरी पर सर्कल बनाए गए हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश व्यास ने कहा कि मंदिर के कपाट खुल गए हैं। मंदिर खुलने के साथ जो भी दिशा निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, उनकी अनुपालना की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है कि मंदिर खुले हैं। ऐसे में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में हवन पूजा की जाती है, इसलिए हवन करके माँ चामुंडा से COVID-19 से निजात दिलाने की कामना की गई है। आज जो है वो प्रथम दिन है, माँ का जो है द्वार जो खुल गया है, तो आज चलो जनता को इतना पता नहीं है, तो अभी इतनी भीड़ वगैरह दी है। जो लोग हैं उनको निर्देश है कि जो सरकार ने नियम बनाए हुए हैं कि किसी से कोई स्पर्श नहीं करेगा, कोई प्रसाद नहीं देगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा, किसी को जो है वो स्पर्श नहीं करना है, तथा अपना अपना ख्याल खुद रखें, औरों का भी ख्याल रखें। जैसे पुजारी लोग हैं उनको मजबूर ना करें किसी प्रसाद को चढ़ाने के लिए या किसी समाज को चढ़ाने के लिए, तथा पुलिस वाले जो है उनका भी सहयोग दें और अपना अपना कर्तव्य समझ करके माँ के दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो है देखो 6 महीने से मंदिर जो हमारे बंद रहे, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। चलो आज माँ की कृपा हुई, तो जो भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले भगवान गणपति और माँ का जो है वो पूजन वगैरह किया जाता है। ये तो सब शक्ति का स्थान है, तो इसमें जो है चलो ज़्यादा तो समय और जमात ज़्यादा जो है वो ये होने का लगे, तो सूक्ष्म रूप से हमारे शांति हवन जो हमने की है और माँ का जो है हमने की है, ताकि लोगों में शांति बने रहे, साल में शांति बने रहे, इस रोग से जो है निजात मिल जाए। तो सभी यात्रियों से बात है कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पाली दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वास्थ्य धन वस्त्रे, इस मंत्र का जाप करते करते ये जो है महामारी को नष्ट करने वाला मंत्र है, तो इसका मंत्र का जाप करो और माँ से प्रार्थना करो कि आगे के लिए ये महामारी जो है वो जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए और ताकि सभी लोग जो है जनता जो है वो इस आक्रम से बच जाए और शांतिपूर्वक जैसे पहले जीते थे वैसे जीने लगे। माँ का ये ऐसा आशीर्वाद लोगों को हमारे तरफ से माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ ऐसा आशीर्वाद दे कि सभी जनता पहले की तरह खुशहाल रहे और पहले की तरह जो है सारा सुचारू रूप से कार्यक्रम करें। SDM धर्मशाला एवं मंदिर सहायक आयुक्त डॉक्टर हरीश गज्जू ने कहा कि सरकार ने आज से सभी मंदिरों को खोलने की अनुमति दी है। शुभ कार्य की शुरुआत हवन से विधि विधान के साथ की गई, जिसके चलते मंदिर में हवन किया गया। शुभ कार्य की शुरुआत की हवन से शुरुआत का विधान है, इसके चलते मंदिर में हवन किया गया जिसमें सिर्फ पुजारियों ने भाग लिया। श्रद्धालु सामाजिक दूरी बनाए रखें, ज्यादा आमद होने पर पुलिस व होमगार्ड के जवान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें। मंदिर में पैर धोने व सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। सरकार ने आज से सभी मंदिरों को खोलने के लिए अलाउ किया हुआ है, तो हमने जैसा कि हमारी संस्कृति में विधान है, हम शुभ मुहूर्त देखते हैं, शुभ मुहूर्त के हिसाब से हमने एक हवन किया। हवन में भी हमने सिर्फ पंडित जो थे हमारे दो, उन्होंने हवन के मंदिर के अंदर किसी का और वो नहीं था, साथ नहीं था उनके साथ, और हवन ख़त्म होते ही हमने मंदिर के कपाट को खोल के लोगों के दर्शनार्थ जो है उसको खोल दिया। जैसा कि आपको विदित है कि अभी कोरोना महामारी के चलते प्रिवेंशन जो है सबसे बड़ा एक इशू है, और उसके लिए मंदिरों में भी हमारे सख्त निर्देश यही है, एक दो अपना डिस्टेंस रखें, फिर पत्रकार भी रखें डिस्टेंस 6 फुट का, है ना, और लोग जितने में वो 6 फुट के डिस्टेंस पर रहें, अपना मास्क पहन के रखें,
और अगर ज़्यादा भीड़ भी आती तब भी हम उसके मैनेजमेंट के लिए यहाँ हमारी पुलिस के लोग हैं, होमगार्ड के जवान हैं, वो सब इंश्योर करेंगे कि वो लाइनों में लगे रहें। पीछे हमने गोले बना रखे हैं जहाँ लोग खड़े होंगे, और आगे हमने पैर धोने हाथ धोने की व्यवस्था कर रखी है। सभी मंदिरों मंदिर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे सैनिटाइज़र का प्रावधान किया हुआ है ताकि लोग सैनिटाइज करके अपने हाथ करके मंदिर में आएँ और मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हुए नीचे शिव मंदिर जाएँ और शिव मंदिर के दर्शन करते हुए बाहर चले जाएँ, वापस उसी रूट पर कोई ना हो। जैसा दूसरा ये नियम है कि कोई भी आदमी जो है यहाँ पर एक मिनट से ज़्यादा ना रुके, दर्शन किए और आगे चला। तो जो हमारा जवान यहाँ पे होगा वो इंश्योर करेगा कि वो टाइमली आगे।